नमस्कार दोस्तों, अघोर साधना में आप सबका स्वागत है। तो कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मैंने 2 से 2.5 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, गड़ा धन कैसे निकाला जाता है। इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई थी तो काफ़ी वीडियो के नीचे कई हज़ारों लोगों ने कमेंट किए हैं, कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी किए हैं, ईमेल भी किए हैं कि गुरु जी हम किस प्रकार से पता करें, आपने निकालने का तो तरीका आपने बता दिया है लेकिन हमें कैसे पता चले कि हमारे आसपास गड़ा धन है भी या नहीं, क्या इसका कोई तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं। और कई लोगों के पास, कई ऐसे लोग होते हैं जिनके आसपास गड़ा धन होता है या नहीं भी होता, तो कुछ बाबा ऐसे होते हैं जो फ्रॉड होते हैं, जो उन्हें झांसा देकर ये बोलते हैं कि आपके घर के नीचे तो गड़ा धन है, असल में होता कुछ और है लेकिन उन्हें झूठ मूठ में बताते हैं कि गड़ा धन है। और जब निकाला जाता है तो उसके अंदर से ऐसी प्रेत चीज़ें निकलती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो घर का सर्वनाश कर देती है। तो इन चीज़ों से हमेशा बचिए। तो आज मैं आपको सही तरीका बताऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि गड़ा धन नहीं होता, गड़ा धन होता है और मैंने खुद निकाला भी है, लेकिन ये अपराध होता है ये सब चीज़ें करना, ये सरकार की प्रॉपर्टी होती है तो ये सरकार के अंडर में जाता है, तो ये काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ मैं आपको एक वीडियो के थ्रू जानकारी दे रहा हूँ कि अगर आपके पास गड़ा धन है तो आप किस प्रकार से पता कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ है करने वाले देखो करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि कहा जाता है कि आसपास आपके जितना भी धन होता है और उससे अधिक पाने की आप हम सब इच्छा रखते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, हर आदमी ये चाहता है मैं गरीब से अमीर बन जाऊँ। और हमेशा हम भगवान के मंदिर में जाकर यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी मेरी सारी प्रॉब्लम को ख़त्म कर दे, मेरी पैसे की दिक्कत को ख़त्म कर दे और हमें जल्दी से करोड़पति बना दो। तो करोड़पति जो आदमी बनते हैं, कई लोग तो अपनी मेहनत से बनते हैं और कई लोग अचानक से कोई चमत्कार से बन जाते हैं कि जैसे अचानक उनके हाथ में एक ऐसी चीज़ लग जाती है जिससे वो करोड़पति बन जाते हैं। अब जो भी आप सब अमीर बनने की चाह रखते हो या किसी गड़े हुए धन की कामना करते हैं तो सप्ताह के इस दिन यह छोटा सा उपाय कर आजमा कर देखें। इस उपाय को करने से अनेक लोगों को अपने आसपास गड़ा हुआ धन की प्राप्ति होने से करोड़पति ही कई तो अरबपति भी बन गए हैं। जाने किस दिन कौन से उपाय करने से आप भी सबसे धनवान बन सकते हैं। तो उपाय ज़रूरी है, ध्यान से सुन लीजिएगा ताकि आपको पता लग पाए। पहला उपाय क्या है, सप्ताह के तीसरे दिन यानी कि बुधवार के दिन घर में सुबह 5 बजे शुद्ध मावे के 5 लड्डू बना लें, 21 नग ताजी दुर्वा घास भी एकत्रित करें। अब ठीक सूर्य उदय के 6 बजे गणेश जी को भोग लगाते हुए लड्डू का प्रार्थना करें कि ये लंबेदार अगर मेरे आसपास कहीं कोई गड़ा हुआ धन हो तो वह मुझे मिल जाए, ऐसी कृपा करें जिससे मेरे जीवन से धन का अभाव दूर हो सके। बुधवार के दिन, अगला उपाय बता रहा हूँ, बुधवार के दिन एक लाल रंग का ताला बाज़ार से खरीद कर लाएं। ताला लेते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें कि ताला को डब्बे से खोलकर नहीं देखें और ना ही दुकानदार को खोलने दें। अब रात को एक लाल कपड़े में लपेटकर ताले को अपने सिरहाने के नीचे रखकर सो जाएं। सुबह 4 बजे उठकर स्नान करने के बाद ताले को सूर्योदय से पहले ही किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे 1.25 फीट खड्डा खोदकर लाल कपड़े सहित दबा दें और उस बेलपत्र पेड़ के साथ परिक्रमा करते लगाते हुए प्रार्थना करें कि मुझे अज्ञात गड़े हुए धन की प्राप्ति हो। ऐसा करने से अगर आसपास कहीं भी कोई भी धन जमीन के अंदर दबा होगा उसका पता आपको कुछ ही दिनों में गुप्त रूप से संकेत मिल जाएंगे आपको, यानी आपको आभास हो जाएगा, शक्तियाँ आभास करवा देंगी कि वहाँ पर गड़ा धन है। और अगला उपाय, बुधवार के दिन दोपहर में या शाम के समय 1.25 किलो बाजरे के आटे में 1.25 किलो पुराना गुड़ मिलाकर किसी सफ़ेद या काले रंग की गाय को खिला दें। इस उपाय से अचानक धन मिलता है और किस्मत के बंद दरवाजे भी शीघ्र खुलने लगते हैं। तो ये 3 उपाय थे
जिससे आप जान सकते हैं कि आपके आसपास गड़ा धन है या नहीं है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, बुरी लगेगी लेकिन बता देता हूँ फिर भी, जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट इंसान को हमेशा बुरा काम ही करने पर मजबूर करते हैं। जल्दी अमीर बनने की चाह रखने वाले इंसान जल्दी ही खड्डे में गिरते हैं, क्योंकि जल्दी अमीर बनने के रास्ते जो होते हैं वो गलत होते हैं, और आदमी इन रास्तों पर चलकर अपनी पूरी फैमिली को भी कष्ट देता है और खुद को कष्ट देता है, तो वो अलग। तो भगवान ने जितना दिया है, जितना भगवान ने दिया है आपकी क्षमता के अनुसार दिया है आपको, तो उसी में खुश रहें। बस भगवान से ये दुआ करें कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए, सिर्फ इतनी भगवान के आगे दुआ करिए। कलयुग है, पापी लोग बहुत ज़्यादा हैं इस दुनिया में, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को एक सलाह देना, एक गाइडेंस देना। और वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि इन तरीकों से आप जान सकते हैं, इन उपाय से आप जान सकते हैं कि हमारी दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं, ऐसे ऐसे उपाय भी होते हैं कि जिनसे हम इन चीज़ों के बारे जान सकते हैं। ठीक है, गड़ा धन होता है, मैंने खुद निकाला है, लेकिन हर जगह ये चीज़ नहीं मिलती, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल अघोर साधना को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी पूरी आईडी है, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जहाँ पे आप मैसेज के थ्रू कोई भी जानकारी, कोई भी सोल्यूशन आप ले सकते हैं। और जो लोग मुझसे वॉइस कॉल पर या वीडियो कॉल पर बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फोर ऐप आईडी है मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हैं। और आप कोई भी साधना के बारे या कोई भी ऐसी साधना के बारे जो दुर्लभ हो आप मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज के थ्रू ज़रूर पूछिए, तो उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाई जाएगी। तो धन्यवाद।